नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज़ में मुजाहिद भारती आपका स्वागत करता हूं। आइए रुख करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की ओर। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज गुना पहुंचे। मुख्यमंत्री आज यहां भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक के समापन अवसर पर गुना पहुंचे। अपने तय कार्यक्रम से करीब डेढ़ घंटा देरी से प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। यहां आपको बता दें कि करीब 5 घंटे तक जिला शासकीय चिकित्सालय का मुख्य द्वार बंद रखा गया। यहां से एम्बुलेंस तक को जाने की इजाजत नहीं थी। मरीज बेचारे परेशान होते नजर आए। कोई भी एम्बुलेंस अगर आ रही थी तो उसे लंबे रास्ते से अस्पताल पहुंचाया जा रहा था, वही भी उस रास्ते से जो बहुत सकरा है, और एक साथ वहां से 2 गाड़ियां भी नहीं निकल सकती हैं। मुख्यमंत्री के पहुंचते ही पुष्प वर्षा भी की गई, साथ ही कुछ परेशान और नाराज लोगों ने शिवराज सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। वहीं एक युवक को पुलिस वाले मारते भी नजर आए। यहाँ अपने उद्बोधन में उन्होंने गुनावासियों को कई सौगातें देने का ऐलान भी किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लक्ष्मीगंज में अपनी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि गुना में प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बनाने के लिए 130 करोड़ रुपया गुनावासियों के लिए दिया गया है। वहीं गुना में सीवरेज के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। गुना के साथ साथ प्रदेश भर की जनता के लिए मुख्यमंत्री ने आज यहां मंच से कई घोषणाएं की, जिनमें मुख्यमंत्री ने बताया कि आगामी 26 जनवरी से जिन लोगों के पास जमीन नहीं है उन्हें पट्टा दिया जाएगा। साथ ही किसानों के संबंध में बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जो डिफॉल्टर किसान है उनके लोन पर ब्याज माफ किया जाएगा व उन्हें दोबारा लोन भी दिया जाएगा। मेरे वो किसान जो डिफॉल्टर है और 0% ब्याज के कर्ज का जिनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, मेरे किसान भाइयों, उनके लिए मैं समाधान योजना लेके आ रहा हूं और उसमें हमने फैसला किया है। ये सेल्स के नीचे कर लो, देख लिया, बाकी बात कर ले दो। ये बेटा नीचे कर लो जल्दी बेटा, एक नई योजना समाधान, और उसमें मैं ये करूंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी कि जितने भी डिफॉल्टर किसान हैं जिनके ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज और ब्याज पता नहीं कितना इकट्ठा हो गया है, उनका जितना भी ब्याज है वो माफ किया जाएगा और उसी दिन से 0% ब्याज पे कर्जा देना उनको शुरू कर दिया। वहीं उन्होंने कहा कि यह सरकार गरीब की है और गरीब को इस सरकार में जो कुछ मिल रहा है वह इससे पहले की सरकारों में नहीं मिला है। लाभ वो उठा सके, जगह जगह पानी की मांग आती है, हम एक अनेकों योजनाएं बना रहे, लेकिन समाज के हर वर्ग का कल्याण यह हमारा उद्देश्य है। आज अनुसूचित जाति मोर्चे की हमारी यह प्रदेश की बैठक संपन्न हुई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वैसे सबकी है, लेकिन जो सबसे पीछे है और सबसे नीचे है सबसे पहले उसकी है, गरीब की। जो हमारे बहन और भाई हैं जो गरीबी में जी रहे हैं, कठिनाई में जी रहे हैं, मुसीबतों में जी रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और गरीब को चाहिए रोटी कपड़ा मकान और पढ़ाई लिखाई दवाई और रोजगार का इंतजाम। रोटी सस्ती मिले इसलिए 1 रुपया किलो गेहूं चावल और नमक देने का फैसला भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और करोड़ों लोगों को 1 रुपया किलो गेहूं हम खिला रहे हैं। बताओ कांग्रेस ने कभी खिलाया था क्या? अरे जोर से बोलो, खिलाया था क्या? शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वालों पर बनाए हुए कानून के बारे में लोगों से गुहार लगाई कि वह सब राष्ट्रपति को पत्र लिखें व जल्द से जल्द इस बिल को पारित करवाएं,
ताकि बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वालों को फांसी की सजा हो सके। मेरे बहनों और भाइयों, एक तरफ हमारे देश की धरती पर हम बेटियों की पूजा करते हैं, माताओं का सम्मान करते हैं, बेटी बचाओ जैसे अभियान हमने चलाए, महिला सुरक्षा और कल्याण में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन एक तरफ बेटियों की पूजा करने वाले देश में कुछ ऐसे नराधम पैदा हो गए जो मासूम बेटियों के साथ भी दुराचार करते हैं। मध्य प्रदेश की विधानसभा में हमने कानून बनाया है, प्रस्ताव पारित किया है, विधेयक पारित किया है कि मासूम बेटियों के साथ अगर कोई दुराचार करे तो उसे सीधे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाना चाहिए। उसको इस धरती पर जीने का हक नहीं है। और महामहिम राष्ट्रपति महोदय को पत्र लिखिए और कहिए कि मध्य प्रदेश की विधानसभा ने जो विधेयक पारित किया है दुराचारियों को मृत्युदंड देने का, उसको लागू करने की अनुमति हमें दे दे। आगे शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान करते हुए कहा कि रेत पर से ठेकेदारी उन्होंने खत्म कर दी है एवं रेत पंचायतों के हवाले कर दी गई है। पर सवाल यह है कि क्या यह ऐलान 2018 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किया गया है या फिर यह घोषणा चुनाव के पश्चात भी लागू रहेगी। शिवराज सिंह चौहान ने जनता को संकल्प दिलाया कि वे बीजेपी के साथ रहेंगे, वहीं जनता से उन्होंने उनका सहयोग करने की अपील भी की है। इन सभी घोषणाओं के पश्चात मुख्यमंत्री अपनी सभा खत्म कर इंदौर के लिए रवाना हो गए। शहर को और गांव को स्वच्छ और साफ बनाना है, बनाएंगे स्वच्छ। दूसरे, बेटा और बेटी को बराबर मानना है, मानेंगे बराबर। तीसरे, मेरे भांजे भांजियों को पढ़ाना है, बेटा बेटियों को सब पढ़ाएंगे। तो आइए मेरे साथ संकल्प लीजिए कि शिवराज के साथ चलेंगे, भाजपा की सरकार के साथ चलेंगे और मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास में अपना योगदान देंगे। मेरे साथ ये संकल्प लीजिए और संकल्प लेने के लिए दोनों हाथों पर उठा के दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोलिए। उठाइए दोनों हाथ पीछे दाएं बाएं और बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। 4 बजे मेरा इंदौर में कार्यक्रम था, लेकिन 4:45 यही बज गए और 5 के बाद विमान भी नहीं उड़ेगा और इसलिए मैं अब जाने की इजाजत चाहता हूँ। हनुमान जी की टेकरी के विकास के लिए आपने राशि की बात कही है परिक्रमा पथ बनाने की, तो वो भी बनवाया जाएगा। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस के गढ़ राघोगढ़ में पांव पसार रही बीजेपी को फिर लगा बड़ा झटका। भारतीय जनता पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष लतीफ अहमद खान हुए कांग्रेस में शामिल। आज यहां लतीफ अहमद अपने 100 से अधिक समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए, जहां विधायक जयवर्धन सिंह ने आज उनका माल्यार्पण कर कांग्रेस में उनका स्वागत किया। बता दें कि 63 वर्षीय लतीफ अहमद वर्ष 1992 से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं, जहां वे पूर्व में विभिन्न पदों पर रहे हैं, जिनमें मुख्यतः वे जिला अल्पसंख्यक मोर्चा उपाध्यक्ष, विशेष आमंत्रित सदस्य जिला कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी अल्पसंख्यक मोर्चा सदस्य, भाजपा नगर अध्यक्ष राघोगढ़ आदि पदों पर रहे थे। साथ ही वर्तमान में वे राघोगढ़ मंडल के भाजपा उपाध्यक्ष सहित अल्पसंख्यक कल्याण समिति के सदस्य पदों पर पदस्थ थे। पर आज इन सारे पदों का मुंह छोड़ते हुए उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है, जहां एक और भाजपा की सत्ता प्रदेश एवं केंद्र में होने की वजह से कई कांग्रेसियों के भाजपा में शामिल होने की बातें लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में लतीफ अहमद का यह कदम कहीं ना कहीं कांग्रेस को मजबूती प्रदान करेगा ही। देखिए, ये भारतवर्ष पूरे भारत के निवासियों का है, मैं भी यहाँ का निवासी हूँ। मैंने 92 से लगातार बीजेपी को अटेंड किया, इसमें सक्रियता भी निभाई और आज भी मैं पदाधिकारी के लेवल पे हूँ। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के मंडल में उपाध्यक्ष के पद पर भी हूँ, लेकिन मैंने इस दौर में ये अनुभव किया कि ये पार्टी इस देश को टुकड़ा करना चाहती है, लोगों के दिलों को तोड़ना चाहती है और संदेश ये देते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन एक वर्ग ऐसा लग रहा है कि वो विकास से वंचित है और उससे मैं भी प्रभावित हूँ। इसलिए मैंने अपने कई एक बंधुओं के साथ हमारे वर्ग के हमारे जाम ख्वाजा मस्जिद के सदर कदीर भाई और हमारे बाढ़ के भैया जो पार्षद हैं आज मौजूदा, ये
और हमारे बाढ़ के लाहौटी परिवार जी और राजेश साहू और हमारे मित्र भगत सिंह, इन सब की प्रेरणा से, इन सब के सहयोग से मेरा दिल इस तरफ मुतवज्जा हो गया और मैंने चाहा कि अब मैं ऐसी झूठी विकास की बातों से अलग हटकर सही विकास की दिशा को अपनाऊं, इसलिए मैंने आज कांग्रेस को ज्वाइन किया। जिला चिकित्सालय के प्रसूति गृह में नर्सों द्वारा प्रसूताओं के साथ अभद्रता करने का मामला सामने आया है। आज यहां एक प्रसूता ने ड्यूटी पर उपस्थित नर्सों पर आरोप लगाया कि वे उसके साथ मारपीट करती हैं व उसे अभद्र गालियां भी देती हैं। बता दें कि यह प्रसूता पिछले 5 दिनों से जिला चिकित्सालय के प्रसूति गृह में भर्ती है। किसी कारणवश उसकी डिलीवरी न होने की स्थिति में उसे नर्सों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। वहीं प्रसूता के परिजनों की माने तो नर्स डिलीवरी कराने के बजाय 5,000 रुपए की मांग कर रही है। वह 5,000 रुपए ना देने की स्थिति में प्रसूता को ग्वालियर या इंदौर भेजने की धमकी भी देती है। थप्पड़ मार रहे हैं और चोट नहीं रहे हैं। कितने थप्पड़ मारे हैं आपने? 4-5 भी तार दे नहीं दे रहे हैं। कल चोट ले ले सब जांच कर कर के रही। कितने दिन हो गए आपको? जरा 5 दिन हो गए। 5 दिन तो आपकी डिलीवरी थी। 4-5 दिन गर्मी जाए डिलीवरी नहीं निपटा रही थी। 10 जन ही है कम एड में, 10 ही बार जांच कर रही है। साथ परेशानी आ रही है और मुझे 5,000 रुपये मांग रही है तो 5,000 रुपये दे। जब तू डिलीवरी कर दूंगी नहीं दे रही तो ऑपरेशन कर दूंगी, नहीं तो इंदौर ले जाओ। मैं डिलीवरी नहीं मिल रही साथ में कहाँ से दे रहा हूँ 5,000। मुख नहीं व्यवस्था मैंने कल सब दिन में व्यवस्था नहीं निकाल। सब दिन में भूखी डरी रही जा तो खाना मैंने तो का कहते हैं चिना रहे खाना ले लिया कहीं डाई तो कहीं खाना खा कर झंडाई देते हैं धर्मशाला बनाइए तुम रुप दरगाह का मांग कर थप्पड़ मारो मेरी भाभी मारी। समस्या पर है कि लगातार इस प्रकार के मामले सामने आने पर भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन मामलों में आरोपी पक्ष पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जाती है। कब होगी इस प्रकार के आरोपी पर कार्यवाही और कब सुधरेगा जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों व नर्सों का बर्ताव, यह तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। जिला मुख्यालय के समीप ग्राम बमोरी बुजुर्ग ग्राम वासियों ने आज अपनी समस्याओं को लेकर चक्का जाम कर दिया। गौरतलब है कि बमोरी बुजुर्ग ग्राम में पिछले कई सालों से लाइट नहीं है। इसी समस्या के चलते आज ग्रामीणों ने रोड पर चक्का जाम कर दिया, जिसके बाद SDM ने मौके पर पहुंचकर गांव वासियों की बात सुनी व विद्युत विभाग के अधिकारियों को इनकी लाइट की समस्या को हल करने का तुरंत निर्देश दिया। तब कहीं जाकर गांव वासियों ने रास्ता खोला। बता दें कि SDM के आदेश के बाद गाँव में लाइट के खंभे लगने का कार्य शुरू हो गया है। योजना में प्रस्तावित किया है, योजना काम शुरू होते हैं, काम हो जाएगा और काम शुरू हो सर। इसका कुछ कारण तो होगा, बगल में सिटी होते हुए इतना लेट हो गया, इतने पास में विद्युत मंडल है सर। जब स्वीकृति आती है अरे आपको काम शुरू हो गया सर, आपको काम बंद नहीं हो सर। बिल्कुल काम बंद नहीं, ये देखो काम बंद नहीं। लोग मेरा नंबर जी सर, जब कभी ये काम बंद करें मैं अभी इनसे बोलता हूँ। डी साहब भैया इनके मुझे बताना, मैं 5 मिनट में आगे के लिए नंबर ले लो सर। अरे मेरे ऑफिस आ जाओ, 4 लोग आ जाओ जब नहीं है। ये तो देखो SDM साहब कभी कभी देखो प्रॉपर आदमी के पास जाना पड़ता है ना जी सर। कलेक्टर साहब के पास पूरे जिले में मैं इस सब डिवीजन का इंचार्ज हूँ तो जी ना यही प्राप्ति की ये जो तो शुरू है ना। मैं आदमी और बढ़वा रहा हूँ जी है ना, अभी इनको करके अभी भी तुम लोगों से बड़ा विनम्र है, कभी भी मैनेज नहीं, कभी हो मेरे ऑफिस आ जाओ सर आप देख लेंगे। आज सुबह तड़के शहर भर में छाया रहा घना कोहरा।
घने कोहरे के कारण सुबह से काम पर जाने वाले लोगों को आवागमन में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा। वहीं छात्र छात्राओं को स्कूल पहुंचने में भी काफी दिक्कतें हुईं एवं कड़ाके की सर्दी में उन्हें आज स्कूल जाना पड़ा। अगर तापमान की बात करें तो आज मौसम काफी ठंडा रहा, जिसमें आज गुना का अधिकतम तापमान 22.3 सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 7.8 सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं मौसम विभाग की माने तो अभी कुछ दिन और गुना वासियों को इसी तरह की सर्दी का सामना करना पड़ सकता है। सिंहस्थ में होमगार्ड के लिए चयनित हुए सैनिकों ने आज मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि उनका नियमितीकरण किया जाए। गौरतलब है कि जिन्हें सिंहस्थ 2015 के वक्त ड्यूटी पर लिया गया था, उन्हें लगभग 4 महीने के कार्यकाल के बाद से ड्यूटी पर नहीं बुलाया गया है। आज बड़ी संख्या में युवाओं ने अपने नियमितीकरण की मांग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से की। गौरतलब है कि गुना जिले से 2700 के लगभग युवा सिंहस्थ में होमगार्ड के लिए चयनित हुए थे। जो 2015 में भर्ती हुई थी उसको 2-4 महीने के लिए रखा गया, उसके बाद एक बार सीपरी में ही बुलाया गया। उसके बाद से हमारा 2 साल से निवेदन करते आ रहा है सीएम साहब से, अभी तक कुछ नहीं गया। और सन 1993 में इसी प्रकार चुनाव के दौरान जो भर्ती हुई थी उसके बाद उन जवानों को ही वापस ड्यूटी पर रख लिया गया था। तो अभी आप मतलब क्या, अभी हम सर से निवेदन करना चाहते हैं वापस नियमितीकरण किया जाए हमारा। कितने लोग हैं आप? हम 300 लड़के करीब हैं यहाँ पर, अभी 2700 जवान हैं टोटल, पूरे एमपी यही गुना के हैं सर। गुना पहुंचे मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने महाविद्यालय अतिथि विद्वान महासंघ की गुना इकाई के कार्यकर्ताओं ने अपने नियमितीकरण की मांग को उठाया। इस मांग के साथ साथ उन्होंने मुख्यमंत्री की सभा के दौरान ही उनके विरोध में नारे भी लगाए। लोग शासकीय महाविद्यालय के अतिथि विद्वान लोग हैं, हमें लगातार 20 वर्षों से शासन का आश्वासन मिल रहा है कि ऐसा होगा वैसा होगा। पिछले 1.5 वर्ष से 25,000 खबर आ रही, वो भी हमें नहीं मिला है, झूठ पे झूठ। मिस्टर जयमान सिंह कवैया से मैं पूछना चाहता हूँ, मंच पे खड़े होकर दम है तो यहाँ करके हमसे बात करें वो, कि इतना झूठ क्यों बोला जा रहा है हम लोगों से? 25,000 दिया जा रहा है, 25,000 मीडिया में खबर, पेपर में खबर, 25,000 दिया जा रहा है, झूठ बोलते हैं। हमने PSC निकाल दी। अरे हमें ये प्रदेश ऐसा अपवाद है जिनको अपने प्रदेश के लोगों से प्यार नहीं है, ना दूसरे लोगों से प्यार है। PSC निकाल के हम लोगों की जिंदगी खराब कर दी इन लोगों ने। हम चाहते हैं विभागीय PSC हो ताकि हमारे अंदर हम लोग उसमें नौकरी कर सकें। हम 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, इसके बाद हमें इन्होंने बाहर कर दिया है। हम आने वाली सरकार का पुरजोर विरोध करेंगे, यहाँ पर नहीं, कोलारस मुंगावली में हमारी 200 लोगों की टीम जा रही है और हम बराबर विरोध करेंगे। यही मैं मुख्यमंत्री को संदेश देना चाहता था। पूरे मध्य प्रदेश की हमारी टीम आ रही है अतिथि विद्वान महासंघ। हमारे बच्चों की हम फीस नहीं भर पा रहे हैं, हमारे बच्चों को हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं। यहाँ मामा कह रहा है उन्होंने कांच बंद कर लिया, गाड़ी का कांच बंद कर लिया, मिलना नहीं चाहते हैं। अभी घोषणा करी उन्होंने कि मामा फीस भरेगा, मेरे बच्चे की फीस भरे। मैं मामा से अभी आज दरकार करता हूँ, इसी वक्त मेरा बच्चा पढ़ रहा है, मैं फीस नहीं भर पा रहा हूँ, मेरे बच्चे की फीस भरे। कहे दम है, दम है तो मुझे बुला के बताएं, मामा को चैलेंज करता हूँ मैं। झूठा आश्वासन नहीं होना चाहिए।
राघोगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्रामों से आज किसान पहुंचे गुना एवं उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के काफिले के सामने पानी दो के नारे लगाए। गौरतलब है कि इस क्षेत्र की नदी चौपट नदी के सूखने से लगभग 7 से 8 गांव की फसल बर्बाद होने की कगार पर है, जबकि समीप में ही गोपी कृष्ण डैम होने के बावजूद उस डैम के पानी को इनके लिए नहीं छोड़ा जा रहा है। उक्त किसान इस संबंध में जिले के विभिन्न अधिकारियों को पहले ही अवगत करा चुके हैं, पर उनकी समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, लिहाजा आज किसानों ने मुख्यमंत्री के काफिले के सामने जमकर नारेबाजी की। वह किसान हाथों में तख्तियां लिए हुए थे जिन पर पानी दो के नारे लिखे हुए थे। बहुजन समाज पार्टी म्याना के तत्वावधान में सावित्रीबाई फुले की जयंती समारोह मनाया गया। म्याना सहकारी बैंक के पास सावित्रीबाई फुले 187वीं जयंती मनाई गई। इसमें उपस्थित भीड़ को देखकर और अन्य कुर्सियां भी वहां पर मंगवाई गईं। बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शामिल जनता को देखकर कांग्रेस और बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। आज यहां जनता ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में गुना न जाकर म्याना में बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसे देख बहुजन समाज पार्टी के नेता डॉक्टर ओपी त्रिपाठी ने कहा कि मुझे खुशी हुई है। वह उन्होंने यहां म्याना को नगर पंचायत बनाने का मुद्दा भी उठाया और कहा कि भाजपा कांग्रेस की सरकार छोड़ बहुजन समाज पार्टी के विधायक लाइए और फिर देखिए कि म्याना नगर पंचायत बनता है कि नहीं। म्याना से हमारे सहयोगी शैलेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। गुनिया नदी बचाव समिति के सदस्यों ने आज मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। उन्होंने इस ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री से गुनिया नदी की ओर ध्यान देने की मांग की है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री की पिछली गुना यात्रा पर भी इन्होंने मुख्यमंत्री को इस संबंध में अवगत कराया था, लिहाजा आज हुई इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने एक हफ्ते के अंदर गुनिया की टीम को भोपाल बुलाने की बात कही है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री इस टीम को कब भोपाल बुलाते हैं या आगे इस मामले में क्या कदम उठाते हैं।
आपके साथ वादा किया था हमें भोपाल बुलाने के लिए, आपने कहा था गुना नदी, आपको इंतजार कर रहा था हमारे गुना सिटी गुना गुना के लिए ये धब्बा है वो उसको दूर करना है। ठीक है, ये बहुत बड़ा आपने कहा था आप बुलवाएंगे। डिजियाना न्यूज़ में आज बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।